विट्ठल राठ पूरी चुनावी मैदान में जिस तरह से उतर चुके हैं पूरे जोश के साथ, और उनके साथ महिलाओं की भी एक बुरा सपोर्ट है, जहां महिलाओं की एक लंबी कतार, आपको महिलाओं का सपोर्ट मिला है, जिस तरह से कहा जाता है कि महिला एक शक्ति है, इस बात को कैसे देख रहे हैं कि जीत की तरफ आपको ले जाएगी? एक तो पहले से हमारे जो पार्टी का ये मकसद है उसमें महिला और पुरुष एक समान करके हम लोग मानते हैं, और हमारे पूरे संगठन में महिलाओं का ज़्यादा बड़ी संख्या में, ज़्यादा बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, और इसलिए है क्योंकि उनको लगता है जब एक महिला रास्ते पर आ जाती है तो बहुत फर्क पड़ता है, और महिला ही ऐसी है कि जो समाज के लिए एक परिवर्तन का और एक विकास के रास्ते पर लेके जाने का नेतृत्व कर सकती है। तो हम लोगों का यही मकसद है कि उनको साथ में उनके मुद्दों को लेकर, बाकी का जो विषय है हर दिन का ये है जो जिंदगी है उसमें महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा अलग अलग मुद्दों का ये करना पड़ता है पुरुषों से ज़्यादा, तो इसलिए ये महिलाओं का ये है, तो महिलाओं का नेतृत्व इसमें ज़्यादा है। तो महिलाओं के लिए अगर महिला आप जीत कर आते हैं, आप चुन कर आते हैं विधायक के रूप में, तो महिलाओं के लिए क्या योजनाएं होंगी जो आप करेंगे, जिसके लिए आप तैयार हैं? बेसिकली महिलाओं के लिए हम लोग एक महिला सक्षमीकरण, जिसमें महिलाएं निर्भर बनकर काम पर जा सकती है, उनको जो बेसिकली रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए जो ये वो उनको मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे उनका बेसिकली जो हर दिन का रोज का जो पीने के पानी का मुद्दा हो, या तो बाकी जो उनके मुद्दे हैं अलग अलग जिसमें रोजगार का मुद्दा है महिलाओं के लिए, तो वो सब मुद्दों के ऊपर हम लोग उनके साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या महिलाएं ये पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर ये अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उनको काम में मौका मिलना चाहिए, उनको उनके परिवार में एक रिस्पेक्टिव रोल जो है वो बरकरार रहना चाहिए, और जिस तरह के काम लेकर वो मतलब आगे बढ़ते हैं, या जो भी पीड़ाएं हैं उनके साथ जहां भी अन्याय होता है या जिस तरह का उनका शोषण है, तो वो शोषण के खिलाफ भी हम लोग काम करेंगे, और उस तरह महिलाओं की हमारी एक बड़ी टीम है जो महिला कार्यकर्ते हैं हमारे, तो वो भी वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो विट्ठल राठ ने आज फिर सेकंड रैली जिस तरह से उनकी यहाँ पर निकाली गई है, और यहाँ पर महिलाओं की भी एक अच्छी कतार है जिसके साथ वो यहाँ पर रैली में जा रहे हैं आगे, और अपनी बातों को लेकर, अपनी जो उनकी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, सभी कुछ तैयार है और उसी योजनाओं के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी अजय के साथ मैं शालिनी सिंह।